कंगना रनौत ने अपने बोल से ऐसा फैलाया रायता, मोदी शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सिर पर हाथ रख लिया। मंडी सांसद कंगना रनौत ने हरियाणा में किसानों के अंदर बीजेपी के लिए चिंगारी को कर दिया आग में तब्दील। वाचाल कंगना पर फायर हुई सुप्रिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की ओर से लिया प्रण, बीजेपी जब तक कान पकड़कर कंगना को उठक बैठक नहीं कराएगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं कि क्या जो कंगना रनौत कह रही हैं सही है? क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं? दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। या तो कंगना रनौत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए। बड़े बड़े संत कह गए चमक दमक में नहीं रहना चाहिए, चमक दमक में गए कि फंसे। बाहरी दिखावे को अंदर की खूबसूरती से ऊपर रखा तो गए। ज्ञानियों ने भी कहा जो वाचाल है जिनका दिमाग किसी और दिशा में चलता है, दिमाग तय सीमा के ट्रैक पर ना रहता हो उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन भाजपा ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को अपनी राजनीति से कनेक्ट कर लिया तो अब परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा में फिर से वापसी करने के लिए बीजेपी न जाने क्या क्या जुगत लगा रही है, लेकिन इस दौरान बीजेपी के सांसद कंगना रनौत ने अपने बोल से रायता फैला दिया। ऐसा रायता फैलाया कि उससे बटोरते नहीं बन रहा। कुल मिलाकर कंगना रनौत ने बीजेपी को हरियाणा में हार की दहलीज पर पहुंचा दिया। किसानों के अंदर बीजेपी के लिए जो गुस्से की आग थी उसे और सुलगा दिया। अब जबकि कंगना ने किसानों को मिर्च लगने जैसी बात कही तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी आलाकमान से कंगना रनौत को कान पकड़कर उठक बैठक लगाने के लिए कहा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कंगना ने ऐसा क्या कहा जिससे हरियाणा में बीजेपी की हालत पतली हो गई है। दरअसल हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा, अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और प्रदर्शन स्थल पर रेप और हत्याएं हो रही थी। कंगना के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है। सुप्रिया श्रीनेत ने तो बीजेपी से कंगना रनौत को कान पकड़कर उठक बैठक कराने की मांग कर दी। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे प्रदर्शन कर रहे थे वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को ये साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनौत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनौत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थी, अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनौत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा, नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनौत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए। उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इस देश के अन्नदाता इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं, अब हरियाणा महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर झारखंड हर जगह और सिखाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से किनारा करते हुए कहा कि उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हरियाणा पंजाब के किसान हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है।